बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफिया से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक है। हमारी दुआ है आप जा रहे हैं हंसते मुस्कुराते रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आज मैं काम पर नहीं गई। एक तो मेरी टांग में दर्द है, दूसरा सर में भी दर्द है और ऐसे लग रहा है मेरी आंखें ख़राब नहीं है लेकिन आंखों के ऊपर इतना वज़न हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है मेरी आंखें सूजी हुई है, इतना मेरी आंखों पे वज़न लग रहा है। आज मैं काम पे नहीं गई और मेरी टांग में भी दर्द है, एक टांग में खिंचाव हो रहा है, उल्टी टांग में बहुत ज़्यादा कल से खिंचाव हो रहा है, तो मैंने कहा काम नहीं कर सकूँगी, काम होगा भी नहीं क्योंकि 3 घंटे तक किचन में खड़ना पड़ता है, आटा गूंदना, रोटी पकाना, दूसरे छोटे मोटे काम होते हैं, 3-3.5 घंटे किचन में लग जाते हैं खड़े खड़े, तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए फिर आज मैं काम पे नहीं गई। इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगी काम पे। मोहम्मद मुजम्मिल भी उठ गए हैं माशाल्लाह से। नाश्ता कर रहे हैं मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल नाश्ता कर रहा है, मज़े मज़े के लग गए मेरे बच्चे को बिस्किट, मज़े मज़े के लग गए यमी। मोहम्मद मुजम्मिल और खाने हैं, और मेरे बच्चे ने खाने हैं और ले आए बिस्किट। हाँ ये वाले ख़त्म कर लो और लेके आएंगे फिर, दादा दिलाएगा दादा। आज मैं बाहर नहीं जा सकती यार, मेरी सर में भी दर्द है, टांग में भी दर्द है, खिंचा हुआ है मेरी एक टांग में, नसों में खिंचा हुआ है, नसें इतनी दुख रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। रात को तो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, वज़न नहीं उठा सकती, जो बिल्कुल मतलब के ताकत लगती है जिस नस से, जो हाथ में जो नस होती है ताकत लगाने वाली, उसमें बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रही, उंगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं, ऐसे लग रहा है कि भारी भारी और मोटी मोटी हो गई हैं, इतनी उंगलियां भी सुन्न हो रही हैं, समझ से बाहर है। चलो मैंने कहा आज थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, थोड़ी तबीयत आज सही हो जाएगी, पैनाडोल भी खाऊंगी, रात को भी मैं खा के सोई हूँ, तो आज थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाएगी, कल इंशाल्लाह फिर जाऊँगी। एक तो बासियाँ इतनी तंग कर रही हैं मुझे। मोहम्मद मुजम्मिल मज़े का है बिस्किट, हाँ मेरे बच्चे को अच्छा लगा, बहुत यमी यमी है यार, खा लो नीचे नहीं फेंको, बुरी बात होती है, खाने को नीचे नहीं फेंकते, बुरी बात, गुन्ने खाने को नहीं फेंकते नीचे, नहीं बुरी बात, माँ के साथ मुकाबला कर रहा, उसने कैचर नीचे रखा है कि मैं अपने बाल बना लूँ तो फिर उसको लगाऊंगी, उसने उठा के जल्दी जल्दी, माँ कहती रही है जल्दी जल्दी उठा के नीचे फेंक दिए, ये सारा दिन इसका यही काम होता है, सबक कहती है बहुत तंग करता है। मोहम्मद मुजम्मिल नहीं करो नहीं करो, मोहम्मद मुजम्मिल नहीं करो, ये अपनी जिद करता है, बहुत जिद्दी हो गया अब। मोहम्मद मुजम्मिल क्या कर रहा है, मोहम्मद मुजम्मिल के जो नखरे हैं ना ये खत्म हो गए। अच्छा जी मोमला और सबा बना रहे हैं, टमाटर प्याज लहसुन अदरक भी इन्होंने छील लिया है, अभी ये मसाला मुझे तैयार करके देंगे, ये काटने जैसे आमलेट के काटते हैं, आमलेट के बारीक बारीक, आमलेट के बारीक 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 काटने, ये प्याज टमाटर हर चीज़ मुझे तैयार करके दे रहे हैं और मैं इनको बना के दूँगी, मुर्गी की कलेजी आज लाई हूँ वो इनको बना के देनी है, और सबक के लिए भी कह रहे हैं कि ज़रूरी है क्योंकि इसको खून की कमी है, तो किसी ने कहा है कि कलेजी
इसको खिलाओ बना बना के। अभी ज़्यादा तो कम नहीं है, माशाल्लाह से सही हो गया है, 1 पॉइंट कम हो रहा है, तो इसलिए आज इनको मुर्गी की कलेजी बना के दे रही हूँ। ये प्याज वगैरह तैयार कर लें तो फिर हम बनाते हैं मुर्गी की कलेजी। मुर्गी की कलेजी धो के रखी है इन्होंने फ्रीज़र में, मैंने कहा धो के फ्रीज़र में रखो ताकि वो थोड़ी सी सख्त हो जाए और काटने में आसानी हो जाए, ऐसे तो थोड़ी पिलपिली होती है, तो इसलिए उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है ताकि वो थोड़ी सी ऐसे सख्त हो जाए, फिर उसको काटेंगे, काट के तो फिर इनको मैं सालन बना के दूंगी। मैंने कहा सब मुझे तैयार करके दो क्योंकि मेरी टांग में दर्द है, तबीयत सही नहीं है, तो मसाला मुझे तैयार करके दो बना के मैं दूंगी। तो इन्होंने कहा ठीक है हम मसाला तैयार कर देते हैं, आप हमें सालन बना के दें। मोहम्मद मुजम्मिल क्या कर रहा है, मोहम्मद मुजम्मिल क्या कर रहे हो, बैठो गिर जाओगे। हाँ सलाम करो, ये वाला हैंडी नहीं वो वाला हैंडी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा कैसा है, बहुत शरारती हो गया यार, ये बहुत शरारती हो गया, हर चीज़ के साथ पंगे। शरारते नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम कैसे करते हैं, सीधे होके बैठो, ये खुद उतरने की कोशिश करता है, ये खुद उतर जाता है, आमने सामने चरपाई पर या इधर हाथ रख के एक हाथ इधर रखता है और ये आराम से उतर जाता है, ये इतना शरारती हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रही हूँ फिर, नहीं सुनेगा। मोमल प्याज काट रही है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, इसकी हरकतें देखे, ये अटक गया। हाँ बहुत शरारती है मोहम्मद मुजम्मिल, बहुत शरारती है, इतनी शरारतें करता है, नहीं इसको नहीं, ये तुम्हारी माँ को दूंगी, माँ तुम्हारी पीसेगी, नहीं करो सबा, ये लो सबा पीसो, जल्दी करो पीसो। हाँ अभी वहीं जा रहा है, हर चीज़ के साथ पंगा, शरारती। अच्छा जी, मैंने ऑयल डाल दिया है प्याज में, अभी प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज ब्राउन होते हैं तो फिर ये लहसुन अदरक पीस के रखा हुआ ये डालेंगे, उसके बाद फिर नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया उसको भून के फिर हम डालेंगे टमाटर। तो जब तक हम कलेजी को छोटा छोटा कर लेते हैं। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो गए, अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून लेते हैं, तो पहले मैं कलेजी भून लेती हूँ ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, जो हीट आती है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें डालेंगे। पहले मेरा इरादा हो गया तो कलेजी डालना पहले। अच्छा जी, कलेजी ऐड कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुजम्मिल बहुत तंग करने लग गया है, ये घड़ी घड़ी दरवाजे पे पहुंच जाता है, जब से ये थोड़ा सा वो करने लगा ना चीज़ों को पकड़ पकड़ के दरवाजे के बीच में इधर ही आके खड़ा हो जाता है, सुनना हमेशा। ये थोड़ी इस कलर में आ जाएगी ना, इस कलर में जैसे इसका कलर है, तो फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। मैंने डाल के रखे हैं नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया। मुजम्मिल क्या देख रहे हैं, बाहर बच्चे हैं, कौन है बाहर, नमक मिर्च और हल्दी भी डाल दिए मैंने,
इसे थोड़ा सा भून के फिर इसमें डालते हैं हल्दी मटर। मज़ेदार से भून लीजिए अच्छी तरह से। थोड़ी सी और हो जाएगी, इसमें हम टमाटर ऐड करके दम पे रख देंगे इसको। जब टमाटर गल जाएंगे तो फिर इसको हम भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया इसको। अच्छा जी, ये काफ़ी भून गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम मिक्स करके फिर ढकना देके दम पे लगा देते हैं। तो जैसे ही ये दम पे रहेगी टमाटर भी गल जाएंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए मज़ेदार सी तैयार हो गई है कलेजी, हो जाएगी। फिर धनिया डालेंगे। अभी टमाटर डाल के हम इसको दम पे छोड़ देते हैं ताकि टमाटर भी गल जाए। इसके बाद हम भून लेंगे इसको। भूनने के बाद फिर तैयार हो जाएगी, फिर हम धनिया और ये ऐड करेंगे, हरी मिर्च। अच्छा जी, कलेजी हमारी हो गई है तैयार। अभी हम ऐड कर रहे हैं धनिया और हरी मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया, बहुत ही मज़े की बन गई है। ये देखे मज़ेदार सी तैयार हो गई है कलेजी। और आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कलेजी की तरकीब कैसे लगी। बहुत ही मज़े की बन गई है। और मम्मा साथ साथ रोटियां भी बना रही है ताकि काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि गैस का भरोसा नहीं है। गैस एक मिनट में गायब हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गई है।